ज्ञानवापी के सर्वे में टीम को चप्पे चप्पे से चौंकाने वाले सबूत मिले। ज्ञानवापी के तहखाने में जब कैमरा आगे बढ़ा तो उन्हें दक्षिणी दीवार के एक खंभे पर कुछ ऐसा लिखा मिला कि टीम रुक गई। गौर से देखने पर पता चला कि जैसे यहां पर मौजूद किसी सबूत को चैनी हथौड़ी से तोड़कर मिटाने का प्रयास किया गया हो। के ताखा में चैनी हथौड़ी, चैनी हथौड़ी खंभे पे युक्त जो है मारकर निशान मिला है। इसको पीछे की तरफ से दिखाएंगे किसी निशान को तोड़ने का। आम तौर पर सभी प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे होते हैं और ज्ञानवापी के अंदर भी दीवारों पर जगह जगह ऐसे श्लोक लिखे मिले। टीम जैसे आगे बढ़ी टीम को मगरमच्छ की एक आकृति दिखी जबकि संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक कैमरे में कैद हो गया। दीवारों पर खुदे इस संस्कृत श्लोक को टीम ने पढ़ने की कोशिश भी की लेकिन अक्षर स्पष्ट न होने से ये लिखावट साफ नहीं हो सकी। दीवारों पर अंकित आकृतियों की स्थापत्य शैली को एक एक कर रिकॉर्ड में लिया गया। पढ़ने की कोशिश किया जा रहा है। ये मगरमच्छ है। हाँ, उसका लिखा है। देवनागरी आ जाइए इधर देखिए ये लिखावट में कुछ है। हाँ, बिल्कुल संस्कृत में है। ज्ञानवापी के तहखाने के अंदर जगह जगह मलबे पड़े हुए हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इन मलबों के अंदर कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हो सकते हैं। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। पत्थरों के बीच रखे हुए इस स्ट्रक्चर पर फूल जैसी आकृति बनी हुई है, वहीं कई मूर्ति जैसी आकृतियां भी नजर आ रही हैं। ऐसे में टीम ने एक एक चीज को बारीकी से देखा और उसे अपनी डायरी में नोट किया। इसके बाद कैमरे में एक ऐसे गलियारे का रास्ता कैद हो गया जो किसी खास तहखाने की ओर जाता है और तहखाने में गेट के ऊपर डिजाइन बनी हुई है लेकिन इस रास्ते को पत्थर डालकर बंद कर दिया गया है। का पैटर्न देखिए, पैटर्न ब्रिज का डिजाइन बना हुआ है पैटर्न। दोनों तहखानों और ये सब मलबा जो है देखिए इसमें ध्यान से बना है। दरवाजे दिख रहा है, राजेंद्र पांडे जी डिजाइन बना हुआ है यार। हां, बता रहा डिजाइन बना हुआ है। ये जैसे लग रहा है गलियारा जाने के लिए हो। वही सेम गलियारा है, चार है उधर जाने का, उधर जाने का रास्ता है, उधर जाने का, जिसको बंद कर दिया गया। ज्ञानवापी के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जांच टीम ने जब तहखाने के रास्ते को गौर से देखा तो पता चला कि ये रास्ता एक तहखाने से दूसरे तहखाने को जोड़ता है और ऐसे यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि चार पांच रास्ते बने हुए हैं लेकिन इनमें से अधिकतर रास्तों को आधा या फिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये जो है उस तहखाने में से इस तहखाने में जाने का, जाने आने का इस तरह के कुछ चार पांच रास्ते हैं, सबको जबरदस्ती पाटा गया है। देखिए अंदर तक में 7 फीट तक अंदर तक। ये फोटो इस समय, हाँ ये फोटो हम लोग कम से कम 3-3.5 फीट ऊपर। आगे और अंदर बढ़ने के बाद दीवारों के हालात इतने खराब थे कि वहाँ ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि उन दीवारों के ऊपर क्या है। ऐसे में पहले दीवारों को साफ करवाया गया और फिर जो मिला वो चौंकाने वाला था। आप देख सकते हैं कि छत्र जैसी ये आकृति कैसे दीवार के अंदर दबी हुई है, वहीं उसके नीचे एक ऐसे स्तंभ का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसमें अलग अलग तरह की कई आकृतियां बनी हुई हैं। नहीं, चक्र का निशान है, चक्र का निशान है। ये लीजिए भैया, इसके बाद टीम यहां से बाहर निकल गई और दूसरी जगह पर कुछ और सबूत जुटाने के लिए
आगे बढ़ी तो कैमरे में ये खास आकृति कैद हो गई। बाहरी दीवार पर ये आकृति सूरजमुखी के फूल की तरह नजर आ रही है और इस तरह के निशान दीवारों पर कई जगह देखे गए। इतना ही नहीं, जिस तरह से हिंदू पक्ष की ओर से लगातार ये दावा किया जाता है कि ज्ञान वापी में चारों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं, सर्वे टीम को भी दीवारों पर स्वास्तिक के निशान मिले। स्वास्तिक के इन निशानों को आप देख सकते हैं कैसे दीवार पर एक लाइन से कमल की पंखुड़ियों पर स्वास्तिक बनाया गया। एक चीज ये देखिए, कमल के पंखुड़ी पे भी स्वास्तिक है, बीच वाले में देखिए, ये इसको लाइए, देखिए इधर सर, हमको दीजिए बस एक मिनट यार भैया, बस एक मिनट इधर, ये बीन गणेश जी ये देखिए, बीच वाले जो कमल के फूल है इसपे भी स्वास्तिक है पंखुड़ी पे। प्रतिवादी पक्ष की अधिवक्ता कहां है? रिकॉर्डिंग मोड है, रिकॉर्डिंग मोड में है। इसके ऊपर भी स्वास्तिक के कई निशान बने हुए पाए गए तो नीचे भी स्वास्तिक के निशान जगह जगह बने हुए हैं। ऐसे में स्वास्तिक के एक एक निशान को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्डिंग करती टीम को आगे बढ़ने पर ये दीवार मिली जिसके खंभों पर खास तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। ऊपर से नीचे तक कैमरे को घुमाया गया और स्तंभ पर बनी एक एक आकृति को जूम करके रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। इस तरह की कोणाकार आकृति नागर शैली में देखने को मिलती है। टीम न्यूज नेशन। और लगातार न्यूज नेशन पहली बार दिखा रहा है ज्ञानवापी परिसर की वो तस्वीरें जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी हैं। ये पहला सर्वे जो कैमरा रिकॉर्ड करके लाया था, लगभग 5-5.5 घंटे की फुटेज वो हम आपके सामने रख रहे हैं। वो तमाम सबूत, वो तमाम निशान जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हिंदू पक्ष कम से कम जो कह रहा है वो तस्वीरों में दावा उसी ओर जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी एसआई का सर्वे जो है वो चल रहा है, वो इसकी कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक एविडेंस तलाशेगा। पारुल खेड़ा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, याचिकाकर्ता हिंदू पक्ष की। पारुल जी, ये तस्वीर जो न्यूज नेशन दिखा रहा है, इससे पहले कभी आपने देखी थी या लोगों की सुनी सुनाई और बिलीफ सिस्टम था आपका? नहीं, देखिए जब एडवोकेट कमीशन की भी रिपोर्ट आई थी और जब वो भी वीडियोग्राफी हुई थी उस टाइम भी बहुत सारे जो है चिन्ह दिखाई गई थी, आकृतियां दिखाई दी गई थी और उस टाइम भी खैर सत्य हम सबके सामने उजागर हो गया था और बहुत सारी किताबों और इन चीजों में जो भी ट्रैवलर्स आए थे, जो भी हिस्टोरियंस थे, उन सब ने भी इनके बारे में काफी कुछ लिखा है, बताया है। लेकिन ये तस्वीरें देखना, वीडियो रिकॉर्डिंग देखना उस तहखाने की जो अभी साल भर पहले की हैं, इनको जब अपने सामने देख रही हैं एक तस्वीर को जो न्यूज नेशन दिखा रहा है, लगभग 5-5.5 घंटे की फुटेज थी, तो एक एक तस्वीर जब अपने सामने देख रही है तो क्या समझ आ रहा है आपको? आपके दावे को कितना दमखम मिल रहा है? जी जी जी, मैं न्यूज नेशन की टीम को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो सच को सबके सामने उजागर कर रहे हैं और ये जितने दृश्य आप दिखा रहे हैं ये रोंगटे खड़े कर रहा है कि दिखा रहा है कि हमारा सत्य क्या था। और जैसा आपने बोला कि हमें ताकत तो मिल ही रही है और देखिए, हम शुरू से ही कह रहे थे जब एएसआई सर्वे होगा और सत्य सबके सामने आएगा तो बहुत सारी चौंकाने वाली चीजें सामने आएगी, हम शुरू से बोल रहे थे। क्योंकि तहखाना जो अब जाकर खुला है, जहां 93 तक व्यास जी रहते थे, पूजा करते थे, वहां बताया जाता है कि संस्कृत के श्लोक है, किस मस्जिद में संस्कृत के श्लोक मिलेंगे, त्रिशूल मिलेगा, मगरमच्छ के चिन्ह, कमल, घंटियां, जो जो अभी आपने तो इतना एक्सटेंसिव एक्सक्लूसिव जो आपने फुटेज दिखाया है वो कोई एक मंदिर में हो ही नहीं सकता। तो यही हमारा दावा था डे वन से लेकर अब तक, जो हम कहते आए हैं कि ये हिंदू मंदिर है, ये मस्जिद नहीं है। अगर आप किसी हिंदू मंदिर को एक मस्जिद का स्वरूप दे देंगे तो वो मंदिर नहीं बन जाएगा, इससे सत्य नहीं बदलेगा। तो यही है, मैं फिर एक बार आप लोगों को बहुत ज्यादा धन्यवाद दूंगी कि आप ये सत्य सबके सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, आपको लगता है कि एक आम सनातनी भी आज जब न्यूज नेशन देख रहा है तो उसको पता चल रहा है ज्ञानवापी का वो सच जो अब तक उसने देखा नहीं था, सिर्फ सुना था, पढ़ा था? जी अनुराग जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बोली है। देखिए, एक होता है कि हम सब बात कर रहे हैं और बातों में कुछ भी बातें निकल आती है, जैसे मुस्लिम पक्ष भी बहुत कुछ बोल रहा था अभी तक और बहुत सारा ऐसे र्यूमर भी फैला रहा था, और अब क्योंकि सबके सामने है तो कहते, वैसे तो बोलते हैं सत्य को
कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी हम लोगों की ये मांग थी कि जांच हो, जांच से सबके सामने आए कि सत्य है क्या। और जब ये सब हमारे सामने आ गया है तो ये बहुत 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 खुशी का। पारुल खेड़ा, तस्वीरों के जरिए ज्ञानवापी का सच तो सामने आ गया, लेकिन आम सनातनी की जो उम्मीद है कि कब वो वहां मंदिर देखेगा, कब अदालत से फैसला आएगा, तथ्य परख तर्क परख, इसका इंतजार कब तक? आप तो याचिका करते हैं। जी जी, देखिए कोर्ट ने 4 हफ्तों का जो है वो टाइम दिया है एएसआई टीम को अपनी रिपोर्ट पूरी करने का और सबमिट करने का। और यही है, देखिए हम तो बहुत पेशेंटली इस केस के साथ जुड़े हैं, चाहे कितना कुछ हमने देखा है, किस किस तरीके से डिले हुआ, चीज़ें सामने आई और भी बहुत सारी चीज़ें चली आई, और हम तो बस ये वेट कर सकते हैं कि कब सत्य सबके सामने आए और कोर्ट हमारे फैसले में अपना वर्डिक्ट दे और हम सबको बहुत जल्दी अधिकार मिले वहाँ पूजा करने का। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो यही है कि कब हम अपने आराध्य सीढ़ी जो है वो आप पार करना चाहते हैं कि कम से कम अधिकार जो है पूजा करने का हो, उसकी बहाली हो, उसके बाद जो है वो आगे की लड़ाई जो है चलती रहे कि करके आप स्टेप बाय स्टेप चढ़े। न्यूज़ नेशन लगातार पहले सर्वे की वीडियोग्राफी आपको दिखा रहा था, बता रहा था कि एएसआई की टीम भी अब उसी जगह पर सर्वे कर रही है। जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो उनको अपने पैटर्न, कार्बन डेटिंग और तमाम साइंटिफिक एविडेंस के साथ कोरिलेट करेगी, जो तस्वीरें कमोबेश पहले सर्वे की वीडियोग्राफी में नजर आ रही है।